नमस्कार दोस्तों, लाइसेंस गैरेज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और ये रही होंडा एक्टिवा, और बहुत सारे होंडा एक्टिवा में मैंने प्रॉब्लम देखा है कि स्टार्ट होने में प्रॉब्लम होती है, सेल्फ भी नहीं होता है और किक मारने से भी ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तो होंडा एक्टिवा के साथ ऐसा क्यों होता है वो आज हम लोग देखेंगे, और देखते हैं इस होंडा एक्टिवा को क्या प्रॉब्लम हुआ है वो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इधर मैंने निकाल दिया है गाड़ी का स्पार्क प्लग बाहर, और अब मैं इस वायर को टेस्ट करूंगा अगर इसमें स्पार्क आता है तो। स्पार्क प्लग कैसे निकाल दे इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, लिंक मैं इधर ऊपर डाल दूंगा, आप उधर जाके चेक कर सकते हैं। मेरे इधर आप देख सकते हैं मेरे वायर में स्पार्क नहीं आ रहा है। तो ये किस लिए स्पार्क नहीं आ रहा है वो अब हम लोग देखेंगे। तो पहले मैं निकालूंगा ये मेरा इग्निशन कॉइल और टेस्ट करूंगा। तो इस इग्निशन कॉइल को 8 mm के दो बोल्ट रहते हैं, दोनों बोल्ट पहले आपको निकालने हैं, और बाद में ये वायर छोड़ के ये इग्निशन निकल गया आपका पूरा बाहर। ये देखिए, ये आपका मोटरसाइकिल का इग्निशन कॉइल, इसको मैं अभी मल्टीमीटर लेके मैं टेस्ट करूँगा। तो पहले मैं इसके सब कनेक्टिंग पॉइंट्स जो है उसको थोड़ा सैंडिंग करके, इसके ऊपर कुछ कार्बन है तो इसके निकालूंगा। तो पहले मैं चेक करूँगा मेरा प्राइमरी कॉइल, और प्राइमरी कॉइल चेक करने के लिए मैंने मल्टीमीटर को डाला है 200 ohms पे, और पॉजिटिव और नेगेटिव मैं पहले इधर चेक करूँगा कितना है वो। तो प्राइमरी कॉइल मुझे मेरा ठीक ठाक लग रहा है। अब मैं चेक करूँगा मेरा सेकेंडरी कॉइल, इसके लिए मैं इसको डालूँगा 20k ohms पे। तो इधर मैं मेरा स्पार्क प्लग का वायर जो है उसको पॉजिटिव कनेक्ट करूँगा, और नेगेटिव जो है वो नेगेटिव को ही कनेक्ट करूँगा। इग्निशन कॉइल टेस्ट करने के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो किया हुआ है, लिंक मैं इधर ऊपर डालूँगा, आप उधर जाके चेक कर सकते हो। तो इधर मेरी इग्निशन कॉइल ठीक ठाक है, इग्निशन कॉइल को कुछ नहीं हुआ है, और CDI यूनिट का भी ये फॉल्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि CDI यूनिट से स्टार्टर मोटर को सप्लाई आ रहा है, क्योंकि आपने देखा है कि मेरा सेल्फ स्टार्ट लग रहा है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा है, स्पार्क नहीं आ रहे। तो ये और कुछ फॉल्ट है, तो देखेंगे क्या फॉल्ट है वो। तो शायद मेरे इग्निशन कॉइल ठीक से कनेक्ट नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने ये चस्सी को भी सेंडिंग किया है, और अब मैं मेरा इग्निशन कॉइल वापस डाल रहा हूँ। तो वापस डाल के देखेंगे स्पार्क आता है तो। तो वायर को मैं किसी और पॉइंट पे कनेक्ट करके देखूंगा स्पार्क आता है तो। तो ये बोल्ट को मैं थोड़ा सेंडिंग करके इधर एक्सपोज करूंगा मेटल, ताकि ये वायर को अच्छा कनेक्ट मिले। तो आप देख सकते हैं फिर भी मेरा स्पार्क नहीं आ रहा है। लास्ट एक्टिवा में सेम ऐसा ही प्रॉब्लम था, और इस रबर पाउच के अंदर एक वायर छूटा हुआ था, वो कनेक्ट करने के बाद वो बाइक स्टार्ट हो गई थी। तो ये वायर सब आपको चेक करने हैं अगर ठीक से कनेक्टेड है तो, क्योंकि इसमें से एक वायर इग्निशन कॉइल को सप्लाई देता है पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो इधर आप देख सकते हैं एक वायर उधर से आके इधर इग्निशन कॉइल पे पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट हुआ है ऐसे। तो इसको मैं अभी स्पार्क आता है तो चेक करूँगा। तो इधर आप देख सकते हैं फिर भी मेरा स्पार्क नहीं आ रहा है। तो अब मैं चलूँगा मेरे बैटरी के पास, इधर CDI यूनिट रहता है उधर। तो इधर मैंने निकाल दिया है मेरा फ्रंट पैनल। तो ये खोलने के बाद मुझे इधर दिखाई दिया क्या लफड़ा हो गया है वो। इधर आप देख सकते हैं बैटरी का वायर शॉर्ट किया हुआ है, डायरेक्ट किया हुआ है। इधर मैं CDI का कनेक्शन छोड़ के आपको दिखाऊंगा इधर क्या हुआ है वो। तो इधर आप देख सकते हैं वायर इधर डायरेक्ट किया हुआ है, क्योंकि इसके वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम था ऐसे मुझे लग रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवा में प्रॉब्लम रहता है वायरिंग का, तो ऐसी आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होती है तो आपकी वायरिंग पहले चेक करिएगा। तो ये वायर मैं अभी ठीक से अंदर डाल रहा हूँ, इसका कनेक्ट ठीक से नहीं मिल रहा है, इसीलिए उधर स्पार्क नहीं पहुंच रहा है। तो वायर मैं ठीक से इसके अंदर डाल के फिर से CDI यूनिट कनेक्ट करूँगा। तो इधर मैं फिर से आपको दिखाऊंगा कैसा कनेक्शन है वो। ये बैटरी से इधर अर्थिंग को गया है वायर, और अर्थिंग से आके CDI यूनिट में इधर कनेक्ट किया हुआ है ये वायर। तो ये किसी भी ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिशियन ने किया रहेगा, तो ये वायर लूज कॉन्टेक्ट हो रहा है इसीलिए स्पार्क शायद नहीं आ रहा है। तो अभी मैंने ये वायर वापस डाला है, और अभी मैं चेक करूँगा स्पार्क आता है या नहीं करके। तो इधर मेरा स्पार्क आने को चालू हो गया है, अब मैं बाइक चालू करके देखूँगा। इधर आप देख सकते हैं एक किक से मेरी बाइक चालू हो गई है, सिर्फ एक कनेक्शन का प्रॉब्लम था इसलिए ये बाइक चालू नहीं हो रही थी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाएं मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आने के लिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपको लेके आता रहूँगा। और कमेंट करने को मत भूलिएगा। तब तक अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे।